सुप्रभात मित्रों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। मैं हूँ आपका दोस्त सूर्यकमल साड़ा, या अमन साड़ा बोल सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जानते हैं, कल हम गए थे हेमिश नेशनल पार्क के लिए, परंतु बाहर बाहर से देख के आए और कुछ हमारे को यहाँ फोटो मिले, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। परंतु बहुत प्यारा रूट था, बहुत मज़ा आया। और आज भी हम सोच रहे थे कि यहाँ पर हेमिस मोनेस्ट्री है, वहाँ से बोलते हैं कि कुछ ट्रैक्स हैं जिससे आप नेशनल पार्क में जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और मालूम पड़े कि ट्रैकिंग एरियाज हैं, परंतु वो दूर हैं और उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। जब हमने यहाँ पे आने से पहले लोकल से बात की थी, तब उन्होंने बोला था कि कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पर बोले कि ऐसा कोई चार्जेस भी नहीं है, तो चार्जेस तो नहीं है, परंतु यहाँ परमिशन लेने पड़ती है। और कुछ ग्रुप्स हैं वो ट्रैक पे ले जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं। तो वही रहा कि लोकल्स ने भी हमारे को सही से नहीं बताया और यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई। वेल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसी मोटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर लें आज का, तो अभी हम जैसे बोले कि हेमिस मॉनेस्ट्री जाने की इच्छा है, परंतु आज मौसम साथ नहीं है। तो एक्चुअली वहाँ जाएंगे, कुछ फोटो अगर क्लिक करने हैं तो इस वेदर में क्या क्लिक कर पाएंगे। एक नया टेक्सचर मिलेगा, परंतु बात यह है कि बारिश हो गई तो हमारे पास खुद को बचाने के लिए भी कपड़े नहीं है, मतलब रेन कोट नहीं है, और बैग को तो बचा लेंगे, परंतु अब खुद गीले हो गए, बीमार हो गए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत भयंकर तरीके से चेंज होता है, तो वो दिक्कत देता है। तो लेट्स से क्या होता है, क्या आगे देखना। तो हम निकल चुके हैं हेमिस मॉनेस्ट्री म्यूज़ियम के लिए, और यहाँ पर अब 18 किलोमीटर बचा है। एक खूबसूरत सी जगह दिखी तो हमने सोचा कि यहाँ रोकते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पर अभी भी मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हल्की सी धूप निकली है, बादल घने हैं, तो लग रहा है कि बारिश तो आएगी, पर होप कि ना आए। जब तक तो वहाँ पहुँचे और रिटर्न पहुँचे तब तक तो बारिश चलते ना आए तो हैं ज़्यादा अच्छा है। म्यूज़ियम, और वो देखते हैं। उससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, किस लिए हम रुके थे, आप भी समझ जाएंगे। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी लग रही है। पर यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं अब एमएस मॉनेस्ट्री म्यूज़ियम, और वहाँ पे देखते हैं क्या देखने मिलता है, और वहाँ से कोई रूट मिलता है क्या। अगर मिलता है तो बड़ा मज़ा आएगा, और अगर वहीं पे कुछ एनिमल्स मिल जाए या कुछ बर्ड्स मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे, अभी के लिए इतना ही। मोनेस्ट्री म्यूज़ियम, और क्या खूबसूरत रोड है, बता ही नहीं सकता मैं आपको। इधर से म्यूज़ियम है, यहाँ से ये एग्ज़िट है। वेल, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हम थोड़े गीले भी हो चुके हैं। बात कर लें हेमिस मोनेस्ट्री की, तो ये रही डिटेल, आराम से पड़ी है, हमारी सांस फूल गई क्योंकि पता नहीं क्यों। यहाँ आपको हेमिस रेस्टोरेंट भी मिलेगा, एंड यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये कल जहाँ गए थे ना, उससे भी कहीं गुना खूबसूरत जगह, और खूब सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। एंड बारिश तेज़ हो चुकी है, जिसका हमें डर था वो हो चुका है। साथ ही साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है कि हमारे पेंट का बटन टूट चुका है, और बेल्ट भी नहीं है। सो या ऐसे कुछ चलेंगे, देखते हैं। टिकट काउंटर है, लेट्स सी। सो
पब्लिक वॉशरूम भी है, टिकट काउंटर भी है। टिकट काउंटर पर कोई दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा वर्क किया है। और बोलते हैं सबसे ओल्डेस्ट ये मॉनेस्ट्री है यहाँ की। ले से 45 किलोमीटर है जैसा वहाँ लिखा था। हमने दर्शन भी कर लिए हैं, म्यूज़ियम भी हो गया है। और अगर आप आते हैं तो वो मैं कहूँगा कि म्यूज़ियम ज़रूर जाइएगा, बहुत गज़ब की है और बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री को संजो के रखा है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा बुद्धिज़्म के बारे में, बहुत कुछ है अंदर। और एक गज़ब की चीज़ देखने को मिली वो है वल्चर पप, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और पढ़ के भी मज़ा आया। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ जाइएगा, 50 रुपीज़ की टिकट है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। साथ ही साथ यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत प्यारे लोग भी हैं, देख सकते हैं। एंड रियली जब अगर आप ले आ रहे हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हर जगह की अपनी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो ले आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे यहाँ से रास्ता मिला है नेशनल पार्क के लिए और बोल रहे हैं नीचे से एक रूट जाता है, तो लेट्स सी, ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है और बढ़िया रहेगा, थोड़ी फोटोग्राफी करने को मिल जाएगा। तो ये है हेमिस मॉनेस्ट्री और म्यूज़ियम भी, और एक बार और देख लीजिए इसकी खूबसूरती को आप। और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो हमारे बड़े बन जाते हैं उसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर क्या करें, हम ऐसे ही हैं और थोड़ा हमारा ऐसा ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं हमसे जल्दी वापस से, अभी के लिए नहीं। मैं था आपका दोस्त रेखा मंसाड़ा। भारत माता की जय, जय गौरी शंकर।